व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू न्यू सेव। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं डेली न्यूज लाता रहता हूँ पूरे यूट्यूब वर्ल्ड से। गाइस, आज मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ स्ट्रिंग के बारे में। सो मैंने येस्टरडे की न्यूज में कवर किया था कि स्ट्रिंग ने ध्रुव राठी के ऊपर बिगेस्ट एक्सपोज वीडियो बनाया था, बट आज यूट्यूब ने उस वीडियो को स्ट्रिंग के चैनल से रिमूव कर दिया है। एंड अगर आप उस वीडियो को ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, द वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फॉर वायलेटिंग यूट्यूब्स पॉलिसी ऑन हैरेसमेंट एंड बुलिंग। सो गाइस, इस रिमूवल के ऊपर स्ट्रिंग ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि शॉकिंग एट द रेट यूट्यूब क्रिएटर्स, एट द रेट YouTube removed our latest exposed video from YouTube, @PMO India, @HMO India, @DIRED, @NIA India, @SurajiMAG, @OPIndia.com, @Republic. Then इसके ऊपर LV यादव ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि this is how their ecosystem works, nothing new bro. चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, येस्टरडे स्ट्रिंग ने ध्रुव राठी के ऊपर एक्सपोज वीडियो बनाया था, एंड आज सम्राट भाई ने भी ध्रुव राठी को अगेन एक्सपोज करते हुए ये कहा कि इस हफ्ते हमारी सबसे पहले न्यूज आ रही है मिस्टर एनआरआई की तरफ से। तो गाइस, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मिस्टर एनआरआई अक्सर अपनी वीडियोस में गोदी मीडिया को एक्सपोज करते रहते हैं। बेसिकली मिस्टर एनआरआई का ये कहना होता है कि आप प्लीज गोदी मीडिया को मत देखिए, आप प्लीज टीवी को मत देखिए, क्योंकि गोदी मीडिया अक्सर रियल फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके आपको दिखाती है। अक्सर गोदी मीडिया आपके सामने फेक न्यूज स्प्रेड करती है। अक्सर गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाती है, और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन आप तक ना जाए इसलिए मिस्टर एनआरआई अक्सर अपने वीडियोस में अच्छे अच्छे चैनल्स को और अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को प्रमोट करते रहते हैं। सेम ऐसी जर्नलिस्ट जिनका नाम है अभिशार सिंह। सो गाइस, अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। बट होल्ड ऑन गाइस, YouTube ने इस वीडियो की रीच रोक दी है, एंड इसके ऊपर सम्राट भाई ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की रीच रोक दी गई है। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट के लोगों को एक्सपोज कर रही थी। आज स्ट्रिंग रिवील्स की वीडियो को YouTube ने रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट को एक्सपोज कर रही थी। एलविश यादव की वीडियोस को येलो डॉलर देके रीच रोका गया। क्यों? कि वो लेफ्ट के अगेंस्ट था। मैं आज सीरियस नोट पे ये कहना चाहता हूं कि अगर यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म हमारी आवाज को दबाएंगे तो मैं तो साफ बोल रहा हूं, अब मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाऊंगा। मैं आज क्लियरली टैग करके बोलना चाहता हूं, मिस्टर आरएस प्रसाद, पीएमओ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी, आज अगर हमारी आवाज रोकी जा रही है तो इसमें हमारा नहीं आपका नुकसान है। हमको आपके साइड से पैसा नहीं मिलता, सिर्फ देश के लिए लेफ्ट ऑडियंस से गाली मिलती है, लेकिन देश के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज। गाइज, मैंने अपनी इस न्यूज में कवर किया था कि भुवन बम बिंगो कॉमेडी अड्डा के शो पर जल्द ही नजर आएंगे। सो इस एपिसोड की डेट रिवील हो चुकी है, एंड दैट इज ऑन 14th February, इट मींस ऑन कमिंग संडे। सो इसके ऊपर भुवन बम ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। पैंडेमिक ने तो सबका जीना हराम कर दिया, पर अब दुखों की इस बदहजमी को दूर करने आ रहा हूँ मैं। शाहरुख को शायद ज्यादा लड़कियाँ पसंद करती हैं। ऑन ग्राउंड आई मीट मोर गर्ल्स, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ क्योंकि हमारे भाइयों ने मना किया। ओनली ऑन स्टार प्लस। So guys, let's wait till 14th Feb and jump to next news. Friends, recently triggered इंसान का घर का एड्रेस लीक हो गया था, एंड कुछ लोग पैसे लेकर उनके एड्रेस को बेच रहे थे। So इसके ऊपर triggered इंसान ने क्या कहा, चलिए देख लेते हैं। Guys, रात के 1:30 बज रहे हैं, एंड मुझे सीरियसली अभी एक ऐसी बात पता चली है जिसको मतलब सुन के मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका हूँ। सो कुछ लोग जिनको मेरा एड्रेस पता चल गया है, कोई आस पड़ोस में रहते हैं या फिर किसी भी तरीके से जिनको मेरा एड्रेस पता चल गया, मुझे सुनने में आया कि उनमें से कुछ लोग मेरा एड्रेस बेच रहे हैं आगे, ये बोल के कि मैंने उनको परमिशन दी है कि वो पैसे के बदले में मेरा एड्रेस सेल कर सकते हैं। अब किसी ने मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजा है कि आप क्या सच में पैसे मांग रहे हो, तो कितना चार्ज करूं? 300, लेकिन बस FP वालों को सेल करना और 200 उसको जो उसे सेल करेगा। मतलब मेरे साथ चैट का फेक स्क्रीन शॉर्ट के मैंने बोला है कि आप 300 रुपए में मेरा एड्रेस बेच दो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगा, ये मेरा असली आईडी है ट्रिगर्ड इंसान वाला, और ये ट्रिगर्ड इंसान फेक आईडी है। अब ऑब्वियसली डिफरेंस कैसे है, यहाँ पे जो आप टी देख रहे हो वो स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल टी है। यहाँ पे ट्रिगर्ड इंसान में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे ट्रिगर्ड इंसान में स्पेस है। तो दिस इज ऑब्वियसली एक एडिटेड स्क्रीनशॉट बनाया है किसी ने मेरे साथ फेक चैट का, कि मैं उनसे पैसे मांग रहा हूं, जिनका मैं नाम ऑब्वियसली रिवील अभी नहीं करना चाहता। अगर वो सॉरी बोल दे एंड फ्यूचर में ऐसी तुम यार फालतूगिरी ना करो तो ठीक है, वरना सीरियसली ये एक क्राइम है। एंड आई डोंट नो मुझे आगे इसके क्या करना चाहिए। कसम से रात के 1:30 बजे मैं सोने जा रहा था और ये देख के सदमे में चला गया हूं मैं यार, बिकॉज दिस इज लाइक डेफोमेशन। क्योंकि आप बेसिकली ये फेक न्यूज फैला रहे हो कि निश्चय अपना खुद का एड्रेस रिवील करने के लिए बेचने के लिए पैसे ले रहा है, 300 रुपए में एड्रेस बेच रहा है अपना। अभी प्राइवेसी के बारे में कुछ सुना है तुमने? मेरे घर के बाहर कोई गोली लेके आके खड़ा हो जाएगा 300 रुपए में, भाई एड्रेस ले लो मेरा। मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों किसी को अपना एड्रेस दूंगा यार? इंडिया के बाहर एड्रेस बेचना, नंबर बेचना, दिस इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम। यहाँ पे इतना सीरियसली नहीं लिया जाता प्राइवेसी लीक को।
ओ भाई, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको बाय चांस मेरा फोन नंबर या मेरा एड्रेस पता चल गया है तो उसको अपने तक ही रखें, कृपया कर उसको सबको ना बेचे, और एटलीस्ट ये तो मत बोले कि मैं पैसे ले रहा हूँ वो आपको, मतलब वो आगे बेचने के लिए। कसम से वो वाला मीम याद आ रहा है मेरे को, साला ये दुख खत्म का ही नहीं हो रहा है बे, एक टेंशन जाती नहीं है, कुछ और। अरे बस भाई, नहीं चाहिए मेरे को ये फालतू की टेंशन। 300 रुपए में एड्रेस बेच रहा हूँ, आ जाओ भाई मेरे घर के बाहर बंदूक लेके आ जाओ, 300 रुपए में एड्रेस दे रहा हूँ मैं अपना, मेरा दिमाग खराब है यार। एंड आप लोग भी प्लीज ये देखिए, ये ओरिजिनल है, छोटा टी छोटा आई नो स्पेस, कैपिटल टी छोटा आई विद स्पेस, गलत सही ट्रू फॉल्स। अब अगली बार कोई ऐसे वाला एडिट बना के आ जाए तो भी विश्वास मत कर लेना कि सच में अपना एड्रेस बेच रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्रिएटर हो यार, मिथ पैट कैरी आशीष बीबी, तुम्हारा कोई भी फेवरेट क्रिएटर हो, कोई कभी भी अपना एड्रेस बेचने नहीं वाला, एटलीस्ट 300 रुपए में तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब कितने भी पैसे हो यार कोई अपना एड्रेस क्यों बेचेगा, बिकॉज privacy man, why? गाइज, देर इज वन मोर अपडेट अबाउट ट्रिगर्ड इंसान मिथ पैट के चैनल पे। ट्रिगर्ड इंसान एंड मिथ पैट का एक न्यू कोलैब वीडियो आया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। एंड ये वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर भी आ चुका है, सो इसके ऊपर मिथ पैट ने क्या कहा चलिए देख लेते हैं। डायलॉग नंबर 1 ट्रेंडिंग, तेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है, हार्ड। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। गाइज, कुछ लोग रोस्टिंग गुरु की फेक आईडी बनाकर गेम की यूसीज एंड जेम्स सेल कर रहे थे, सो इसके ऊपर रोस्टिंग गुरु ने क्या कहा चलिए देख लेते हैं। सो गाइज, ऐसा मेरा बहुत सारा अकाउंट बना के कोई कोई रखे हुआ है, ठीक है, बंदे लोग, और मेरे नाम पे स्कैम कर रहे हैं कि लिंक, इस लिंक पे क्लिक कर दो सीजन 17 का रिवॉर्ड मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक कर दो ग्लेशियर मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक कर दो फुल सेट मिल जाएगा। भाई कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है भाई, समझो भाई, एक एक 58 यूसी, एक 54, एक रुपया, एक एक यूसी नहीं किसी को फ्री में मिलता है भाई, तुम समझो भाई। सारे बंदे किसी भी लिंक पे मत क्लिक किया करो भाई, चूतिया बना देता है भाई तुम, और हमको तुमको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारा यूसी पड़ा हुआ है तो ऐसा फ्री में हम किसी को दे देते हैं, फिर भाई कुछ भी कहीं भी फ्री कुछ भी नहीं होता है भाई, किसी भी लिंक पे मत क्लिक किया करो। और ये बंदा जैसे स्कैम किए हुए हो तुम पढ़ोगे ना, तो ऐसा स्कैम में मत फंसा करो। ये है मेरा रियल आईडी, ठीक है, डिस्कॉर्ड का, ये है मेरा रियल आईडी, तो भाई ऐसा समझो सारा वेरीफाइड है भाई, बात समझा करो, मत स्कैम में फंसो, ठीक है, चिल मारो गाइस, फालतू का लफड़ा होता है, तुम लोग क्लिक कर देते हो और फंस जाते हो। एंड गाइज, मेरे नाम पे तुमको कोई भी बोलता है ना कि गुरु के पास बहुत यूसी है, गुरु यहाँ से लेता है, मेरे पास से लेता है यूसी, या फिर गुरु मेरे पास से अकाउंट लेता है, या फिर गुरु इस लिंक से क्लिक करके यूसी परचेज कर लेता है, या फिर कुछ भी ऐसा, भाई मत माना करो, भाई मत माना करो, कहीं कुछ भी क्लिक करने से कभी कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है भाई, पबजी में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, हर एक चीज़ के लिए पैसा पे करना ही पड़ता है, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग, तुम याद रखो भाई। सीजन 17 का रिवॉर्ड मिल जाएगा, फुल सेट मिल जाएगा, लौड़ा मिल जाएगा, लसन मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलता है भाई फ्री में, ठीक है। सारे बंदे का अकाउंट ऐसे ही स्कैम होता है, जितने भी बंदे फिशिंग लिंक पे क्लिक कर करके अकाउंट स्कैम हो जाता है भाई, ये सब में मत पड़ा करो, ठीक है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। और मेरे नाम का फेक अकाउंट बना के कोई आके तुमको मैसेज कर देगा तो मेरे को आके मत तंग किया करो भाई कि ए भोसड़ी के मेरा अकाउंट दे, तू ही अकाउंट लिया है लवड़े, बाद में फिर देखने के बाद फिर सॉरी बोलते हो भाई जबरदस्ती का। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज़। फ्रेंड्स, गेमर डायनमो को रिसेंटली एक फेक टीम यूट्यूब ईमेल आया जिसमें ये कहा गया था कि आपका चैनल अडल्ट कंटेंट की वजह से बैन कर दिया गया है। देन इसके ऊपर डायनमो ने रिएक्ट करते हुए ये कहा कि भैया जी, उसी अकाउंट से रिप्लाई कर रहा हूँ, अगली बार दूध में 2 स्पून बॉर्नविटा ज्यादा डालकर पीना, थोड़ा दिमाग तेज चलेगा, सावधान रहें और सतर्क रहें, यूट्यूब वाले ऐसी बी नहीं करते। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। गाइस, मैंने पहले कवर किया था कि मिस्टर बीस्ट ने मिस्टर बीस्ट बर्गर जॉइंट स्टार्ट किया है, वो भी यूएस के 300 लोकेशंस में। एंड नाउ मिस्टर बीस्ट बर्गर कनाडा में भी स्टार्ट हो चुका है एंड टोरंटो के 5 लोकेशंस में फुल स्विंग में वर्क कर रहा है। लेट्स जंप टू नेक्स्ट न्यूज। गाइज, रिसेंटली रैपर मूफाड़ अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे एंड उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर उनका एमिवे बंटाई के साथ एक कोलैब वीडियो आ सकता है, सो इसके ऊपर मूफाड़ ने क्या कहा चलिए देख लेते हैं। एनी कोलैब अपकमिंग? यस बड़ी, आई एम कोलैबोरेटिंग विद लोका, विद सिकंदर, एमिवे इज देयर, राइट, बट हर चीज में टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ कार्लोस जे पाउल के बारे में, जिनके चैनल का नाम है ब्रुकलिन फ्रेग्रेंस लवर। सो गाइस, ही वाज 56 इयर्स ओल्ड एंड रीसेंट संडे को उनकी डेथ हो गई थी, सो या मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। चलिए गाइस, अब आज के अचीवर्स से मिल लेते हैं। अलाहाबादी गर्ल बबीता राज ने अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन। समीर के व्लॉग्स ने भी अचीव कर लिया है अपना सिल्वर पे बटन। लॉजिकल बकवास को भी मिल चुका उनका सिल्वर पे बटन।
एंड फाइनली सिंथिया रहमान ने भी अचीव कर लिया है अपना सर्वर पे बटन। माँ हार्टिंग कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। गाइस जो मुझे न्यूज भेजना चाहते हैं फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड जो मुझे पहले न्यूज भेजेगा उसे मेरे डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स मिल सकते हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड सी डेली अपडेटेड यूट्यूब न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।